एक सवाल मेरे से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कॉन्ट्रास्ट रेशो क्या होता है और कॉन्ट्रास्ट रेशो डिसाइड कैसे करना चाहिए, कि जब आप ग्रेडिंग करते हो आपको लो कॉन्ट्रास्ट रखनी चाहिए इमेज या हाई कॉन्ट्रास्ट रखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं आपको कॉन्ट्रास्ट समझाता हूँ। जब आप सेट के ऊपर शूट करते हो तो एक टर्म यूज होती है कॉन्ट्रास्ट रेशो। तो उसका मतलब क्या होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है की साइड से और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है फिल्म साइड से, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लाइट आ रही है, जो की और फिल्म साइड का डिफरेंस होता है, जो बीच का गैप होता है, वो बेसिकली होता है कॉन्ट्रास्ट रेशो। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे की साइड की लाइट को देखोगे और फिल साइड की लाइट को देखोगे तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस टाइप के कॉन्ट्रास्ट रेशो को हम मॉडरेट टू हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो बोलते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो की साइड की लाइट है और जो फिल साइड की लाइट है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो जनरली हम यहाँ पे इसको बोलेंगे लोअर कॉन्ट्रास्ट। तो एक रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, जब आप कैमरा में हायर कॉन्ट्रास्ट रखते हो तो आपको लो कॉन्ट्रास्ट रखना होता है कलर ग्रेडिंग में, या हम कम कॉन्ट्रास्ट से ही काम अपना चला सकते हैं। जब लो कॉन्ट्रास्ट कैमरा के अंदर होता है तब आपको हायर कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है कलर ग्रेडिंग में। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैं फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं।